पंजाब और केपी की असेंबलियां जुम्मे को तहलील कर रहे हैं। पीडीएम आवाम के पास जाने से खौफजदा क्यों है? पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। उनका मजीद भी कहना था गुफ्तगू में कि पीडीएम 13 जमातों पर मुश्तमिल चूं चूं का मुरब्बा है। हम अपनी हुकूमतें तोड़कर आवाम के पास जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ही रोज़ पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाए। गुज़श्ता 8 महीनों से पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के ही इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। कोई भी सियासी जमात जब आवाम की सपोर्ट उससे ख़त्म हो जाती है तो उसकी सियासी हैसियत ख़त्म हो जाती है। तहरीक इंसाफ में और ये जो चूँ चूँ का मुरब्बा बनाया 13 पार्टियों का PDM, इसमें फ़र्क ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त एक अवामी ताकत खड़ी। हम कह रहे हैं अपनी हुकूमतें तोड़ के हम आवाम के पास जा रहे हैं। कोई और अपोजिशन दुनिया में होती वो इसको वेलकम करती, क्योंकि अपोजिशन क्या कहती है, अपोजिशन का सियासत अपोजिशन की क्या होती है, वो तो कहती है कि हुकूमत इंतखाबात कराए और आवाम के पास जाए फैसला कराए। यहाँ हुकूमत अब आवाम के पास जा रही है फैसला कराने, और ये जो नाम नेहाद PDM है ये दौड़े लगाई हुई है।